हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया आऊँ चैप्टर का नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यू और टॉपिक का नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन एंड ट्रेड्स जिसको कॉमनली गैट कहा जाता है तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो डब्ल्यूटीओ के आने से पहले थी चलिए शुरू करते हैं ये क्या थी द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड जिसको गैट कहा जाता है इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड इन नाइनटीन विद हेड क्वार्टर इन जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में वॉज डिवोटेड टू प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड थ्रू मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस सिंपल वर्ड्स में जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि 1947 में क्रिएट की गई थी उसके हेडक्वार्टर क्वार्टर स्विट्जरलैंड में थे और वो किस लिए लाई गई थी वो इसलिए लाई गई थी ताकि हम फ्री ट्रेड को प्रमोट कर सकें और मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस कर सकें समझ गए बात बायलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस होता है दो कंट्री के बीच में मल्टीलेटरल एट ए टाइम मोर देन टू कंट्रीज के बीच में ट्रेड नेगोसिएशन करना और ट्रेड रिलेशन को अच्छा करना द दैट एम्बीज सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल डिजाइन टू प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड इन जनरल एंड रिडक्शन ऑफ टैरिफ बस इन पर्टिकुलर तो गैट मेन रूल्स रेगुलेशन बनाती थी जिससे कि इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया जा सकता है और जो टैरिफ बैरियर्स हैं जो टैक्स के बैरियर्स लगाए हुए कंट्रीज ने के बाहर से सामान आएगा उसके ऊपर डबल ट्रिपल टैक्स उसको हटाया जा सके गैट रेस्टेड ऑन थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स ये जो गैट था इसके बेसिकली तीन प्रिंसिपल्स थे फर्स्ट प्रिंसिपल नॉन डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं करना डिस्क्रिमिनेट नहीं करना कि बाहर से सामान आया तो डबल ट्रिपल टैक्स लगा दो सेकेंड एलिमिनेशन ऑफ नॉन टेरिफ ट्रेड बैरियर दैट इज कोटास नॉन टेरिफ बैरियर्स कई कंट्रीज क्या करते थे विदाउट टैक्स लगाए ही बैरियर लगा देती थी ताकि बाहर से कंट्री किसी और कंट्री का सामान हमारे कंट्री में ना आ सके तो ऐसे बैरियर्स को नॉन टैरिफ बैरियर्स कहा जाता है जिसमें कोटा सिस्टम या लाइसेंस सिस्टम या फिर अपनी करेंसी को डीवैल्यू करना एटसेट्रा एटसेट्रा आ जाता है इन सारी चीजों को जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको एलिमिनेट करना और थर्ड आ जाता है कॉन्सल्टेशन अमंग द नेशन इन सॉल्विंग द ट्रेड डिस्प्यूट्स अगर दो या दो से ज्यादा कंट्री में आपस में ट्रेड डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उसको सॉल्व करने के नए नए तरीके ढूंढना आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैप्टर के सारे लिंक जो डब्ल्यू से रिलेटेड होंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टेक केयर बाय बाय